तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कल जहाँ पे रोकी थी, हम लोगों ने बेसिकली चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक टोटल हम लोग दो लॉज पढ़ चुके हैं। जो पहला लॉ हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज बोल्स लॉ, और जो दूसरा हम लोगों ने कल पढ़ा दैट इज गे लॉ, सॉरी चार्ल्स लॉ। और आज जो तीसरा लॉ देखो तुम लोग पढ़ने वाले हो दैट इज गे लुसैक्स लॉ। तो अभी तक तो तुमको एक बेसिक आइडिया तुम्हारे दिमाग के अंदर आ ही गया होगा कि बेसिकली ये जो लॉज हम पढ़ा रहे हैं ये लॉ में हो क्या रहा है, आइडियल गैस इक्वेशन का प्रयोग किया जा रहा है। जो आपको पहला लॉ पढ़ाया गया था उसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया गया, जो दूसरा लॉ पढ़ाया गया उसमें आपने प्रेशर को मतलब वॉल्यूम को आपने मतलब प्रेशर कांस्टेंट रखा, और आज जो आप तीसरा लॉ पढ़ोगे ऑब्वियस है गे लुसैक्स लॉ, इसमें आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोगों का जो वॉल्यूम है आइडियल गैस इक्वेशन में जो वॉल्यूम वाला टर्म है उस वॉल्यूम वाले टर्म को आप क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। और जब ऑब्वियस है कि आप वॉल्यूम वाले टर्म को कांस्टेंट रखोगे तो एक रिलेशनशिप आपको मिलेगा, बस उसी रिलेशनशिप को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, आप लोगों का गे लुसैक्स लॉ कहते हैं। तो अगर कोई तुमसे ये पूछे कि गे लुसैक्स लॉ क्या है, तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि गे लुसैक्स लॉ या कोई भी लॉ अगर आप डिराइव कर रहे हो, ठीक है, स्पेशली बोल्स लॉ चार्ल्स लॉ, तो वहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी बोलो क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मोल्स, बराबर, हम मोल्स की संख्या क्या कर देते हैं, फिक्स, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद पॉइंट नंबर टू, अभी क्योंकि बातचीत गे लुसैक्स लॉ के बारे में हो रहा है तो गे लुसैक्स लॉ में आप किसको कांस्टेंट अपना मानकर चलते हो, गे लुसैक्स लॉ में जो आप लोगों का वॉल्यूम होता है ये वॉल्यूम हम लोग क्या मान लेते हैं, आप लोगों का कांस्टेंट। अच्छा, अगर तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लोगे तो तुम खुद सोचो कि आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अगर इस पी वी इक्वल टू एन आर टी में इमेजिन करिए आपका आर एक कांस्टेंट है, टी के बारे में तो मुझे अभी फिलहाल पता है नहीं, एन को हमने फिक्स नंबर ऑफ मोल्स मानकर ले लिया है ना, तो ऑब्वियसली कि आपका मोल्स भी कांस्टेंट हो गए। अच्छा, वॉल्यूम आप कांस्टेंट रख रहे हो तो यहाँ से तुम लोगों को क्या रिलेशनशिप मिल जाएगा कि पी इक्वल्स टू आप लोगों का एन आर, ठीक है, पी इक्वल्स टू एन आर अपॉन वी, ये पूरा का पूरा रेशियो आपका कांस्टेंट है और सम टी टाइम्स, और इस पूरे एन आर अपॉन वी को बेसिकली हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का कांस्टेंट क्वांटिटी कहेंगे। तो यहाँ से रिलेशनशिप क्या आ जाएगा, पी इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आपका टेम्परेचर, यानी कि मैं ये कह सकती हूँ पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बस इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, गे लुसैक्स लॉ कहते हैं, कि अगर आपने कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा है तो उस कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम को अगर आपने मेंटेन करके रखा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर आपका जो प्रेशर होगा, ठीक है, उस गैस का प्रेशर होगा, गैसेस प्रेशर एग्जर्ट करती है, ये बात तो जानते हो ना। अभी अगर तुम जिस कमरे में बैठकर अगर पढ़ाई कर भी रहे हो तो तुम्हारे बॉडी के ऊपर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील हो रहा होगा तुमको, राइट। तो जो भी प्रेशर एग्जर्ट करती हैं गैसेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। हाँ, अब एक बात स्टूडेंट को हमेशा याद रखनी चाहिए कि यहाँ पे जो ये टेम्परेचर की बात की जा रही है ये टेम्परेचर आप लोग किस में लेते हैं, कैल्विन में लेते हैं, राइट। और अगर मैं इस टेम्परेचर को कैल्विन में लूँगी तो तुमको इतना तो आइडिया है कि ये पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर वाला फॉर्मेट है, यानी कि आई यू कैन से दैट कि मैडम ये इस टाइप के फॉर्मेट की इक्वेशन है वाई इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट की। और अगर आपकी इक्वेशन वाई इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट की होती है तो ऐसे केस में बोलो क्या हो जाता है, जब भी हम लोग ऐसी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ कैसा बनता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, बराबर। वो ग्राफ कैसा बनता है बताओ, पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि ये ग्राफ कैसा दिखने वाला है, ये ग्राफ ऐसा दिखने वाला है, बराबर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर जो ग्राफ की स्लोप होगी, ऑब्वियस है कि इस ग्राफ की कुछ ना कुछ स्लोप होगी, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखकर तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि स्लोप कौन है, ये जो कांस्टेंट टर्म लिखी है ना, देखो क्योंकि पी को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, टी को हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, तो ऑब्वियस है कि एक्स के आगे जो ये क्वांटिटी लिखी है यही आपका स्लोप है,
बराबर, यही कौन है आपकी स्लोप है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी कितनी है, कौन है ये कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई और नहीं बल्कि एन आर अपॉन वी है। तो इस क्वेश्चन में जो स्लोप होगा वो कौन होगा आप लोगों का, दैट वुड बी एन आर अपॉन वी। और अगर तुमको ये थीटा दे दिया जाए तो आप ये कह सकते हो इक्वल टू व्हाट, टैन थीटा, ठीक है। तो ऐसे केस में एक बात ध्यान रखना हमेशा कि आप लोगों को जो ग्राफ के पैटर्न है, तुम्हें ये लगता कि कल की क्लास में जो तुमने चार्ल्स लॉ पढ़ा ये ऑलमोस्ट ये चीज़ें उसी के जैसी दिख रही हैं, तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें बेसिकली वही है, ठीक है। बट आप लोगों को बस याद रखना पड़ता है कि कौन सा फॉर्मेट कब कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, और कल ही तुमको सिखाए थे तो अभी डिटेल में वापस से सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास यही सेम ग्राफ मैं प्लॉट करती हूँ, बस फर्क मेरा इतना होगा कि जैसे ये आप लोगों के पास वाई एक्सिस है, इसमें आपने प्रेशर को प्लॉट किया है, ये आप लोगों के पास एक्स एक्सिस है, इस पर आपने टेम्परेचर को प्लॉट किया है। बट राइट नाउ अगर मैं ये टेम्परेचर आप लोगों के कैल्विन में ना लेकर कितने में ले लूँ, डिग्री सेल्सियस में, तो तुम सभी लोग ये जानते हो कि आप लोगों का अगर हम लोग ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेंगे तो ये ग्राफ फिर आप लोगों का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले फॉर्मेट का नहीं रहता है, फिर ये ग्राफ आप लोगों के कुछ इस प्रकार का बन जाता है ना। ये अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये मैंने कैसे लिखा, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करने की नीड है, आप लोगों को इसको यस्टरडेज क्लास इस चीज को देखने की नीड है, ठीक है। आप कल की क्लास के कॉन्सेप्ट्स को आप क्या करो, रिवाइज करो, तो आपको डेफिनेटली ये बात समझ में आ जाएगी कि मैंने डिग्री सेल्सियस के लिए ये वाली चीज ऐसी क्यों लिखी। बाकी जिस तरीके का काम हम लोग ऑलमोस्ट दो दिन से करते आ रहे हैं कि आपको क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन लेट से पूछा जा सकता है किस तरीके का, कि आपको एक ग्राफ दे दिया गया है इस तरीके से, किसके वर्सेस प्रेशर और टेम्परेचर का, ये ऐसे तीन कर्व दे दिए है ना, ये ऐसे तीन कर्व दे दिए, यहाँ लिख दिया है V1, V2, V3, आप बताइए क्या रिलेशनशिप होगा। तो वही एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, जैसा कि मैं रोज बताती आ रही हूँ, इस परपेंडिकुलर वाली सिचुएशन से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस ग्राफ में यहाँ पे जो भी P1 की वैल्यू होगी, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे P2 की वैल्यू होगी, और इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे P3 की वैल्यू होगी। तो P1 आपका P2 और P3 से ये रिलेशनशिप होल्ड करता है, लेकिन अभी हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, इस परपेंडिकुलर के ड्रॉप करने का अर्थ होता है कि आप टेम्परेचर कैसा मानकर चल रहे हो कांस्टेंट। अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट मान लिया है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब आप लोगों के प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में कैसा रिलेशनशिप हुआ, इनवर्स। तो ये ग्राफ फिर कैसे होल्ड हो जाएगा, मतलब ये रिलेशनशिप कैसा होल्ड हो जाएगा, कुछ इस तरीके का। तो जो आपने अभी तक पुरानी क्लासेस में सीखा ना, सेम वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, नथिंग न्यू, ठीक है, कुछ भी नया नहीं, ठीक है ना। चलो अभी हमने इतने कंसेप्ट सीख लिए, अभी इसी कंसेप्ट को आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जैसे कि तुमको पता है कि प्रेशर इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को दो बार लिखती हूँ, दो अलग अलग स्टेट्स के लिए मैं अगर डिफाइन करती हूँ, तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों की, P1 इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T1, यहाँ पे आ जाएगा P2 इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ T2। और अगर मैं यहाँ पे इनका रेशियो ले लूँ, तो तुम्हें लगता है एक अच्छा खासा फॉर्मूला क्रिएट हो गया, सो कॉल्ड फॉर्मूला P1/P2 इक्वल टू T1/T2, बस खत्म। यानी कि अगर आपका एक ही सिस्टम एक स्टेट से, या फिर कह सकते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेट पे जारी है ना, तो आप यहाँ पे क्या कह सकते हो कि उनके बीच का रिलेशनशिप कैसा है, P1/P2 इक्वल टू T1/T2, बस खत्म। और कोई भी हम लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। और बाकी कल जो तुमको सिखाए थे ना कि आप अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर होते हो तो आप लोगों का वॉल्यूम होता है V0, फिर जब आप 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर लेते हो, मान लेते हैं, तो वॉल्यूम हो जाता है V0+1/273.15 times of V0, बताए थे, बस याद करो। वही सेम एक्सप्रेशन, वही सेम नियम आप यहाँ पर भी लगा सकते हो, प्रेशर के लिए भी वही सेम चीज वैलिड है। तो कल की क्लास मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि तुमको आती है, और कल की क्लास अगर तुम्हें आती है तो तुम्हें अब डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना भी आता होगा। बोलो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, VT की जगह आ जाएगा PT,
ठीक है, और वी नॉट की जगह आ जाएगा पी नॉट, और अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो तो प्लस, और अगर डिक्रीज कर रहे हो तो माइनस। तो प्लस माइनस आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेना कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। 1 अपॉन कितना बोलो 273.15, ठीक है, इंटू में कितना आ जाएगा बताइए, पी नॉट आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे ये पी नॉट किस चीज़ को इंडिकेट करता है, पी नॉट ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों का प्रेशर कितना था। और ये पी टी किस चीज़ को इंडिकेट करता है, प्रेशर एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, प्रेशर एट आप लोगों का एनी टेम्परेचर, कि किसी भी टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर चेंज, बराबर। तो ये चीज़ कितनी होगी। अच्छा, अब तुम लोगों को एक बात मैं बता दूँ कि कल की क्लास में जैसे हम लोगों ने बातचीत की थी पूरी की पूरी, कि आप जब उसको मतलब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक ऐसी सिचुएशन मिलेगी जिस सिचुएशन में आप जब उस ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करोगे डॉट 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 पीछे 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 आओगे, याद आ रहा है? हाँ, तो बस अपन इसके लिए भी वही काम करते हैं। सेम मानकर चलो कि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, मानकर चलो कि हम लोग कौन सा साइन के साथ कर रहे हैं, प्लस साइन के साथ काम कर रहे हैं, बीच में प्लस साइन के साथ। कल भी हमने प्लस साइन के साथ ही काम किए थे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पगले हो, भूल भूल गए हो चीज़ें, ऐसा तो हो नहीं सकता, कल की चीज़ें तो याद होंगी ही होंगी तुमको। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एन में लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे एन किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपने कितने से वो चीज़ इंक्रीज की है। मान लेते हैं आपने टेम्परेचर को 273.15 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया, तो आपकी कंडीशन बोलो क्या हो जाएगी, पी टी इक्वल्स टू पी नॉट, हम प्लस साइन लेकर चल रहे हैं कि हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे ये हटा ही देती हूँ, मैं एन के साथ प्लस लगा लूँगी, माइनस लगा लूँगी, वो बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे बोलो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन ये हो जाएगा पी नॉट अपॉन 273.15, और इंटू में भी क्या आ गया 273.15। अब ये और देखो ये कट गया, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है कि पी टी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी नॉट, यानी कि तुम्हें नहीं लगता ये कल का ही एग्जैक्टली सेम टू सेम कंसेप्ट है, कि अगर आप 273.15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करते थे तो जो उस टेम्परेचर पे वॉल्यूम होना चाहिए वो इनिशियल वॉल्यूम का डबल होता था, तो सिमिलरली उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्रेशर होना चाहिए वो इनिशियल प्रेशर का बोलो क्या है, डबल है। बट इससे ये समझ में आता है कि ये जो मैंने आपको ऊपर ग्राफ बनाकर दिखाया है, अगर मान लेते हैं ये मैं कहूँ कि ये वाला जो टेम्परेचर है, मान लो ये जो टेम्परेचर है, मान लो कि ये टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बोलो यहाँ पर प्रेशर ये कितना रहा होगा, ये प्रेशर आप लोगों का ज़रूर 2 टाइम्स ऑफ क्या रहा होगा, पी नॉट रहा होगा। अगर मैं इनिशियल प्रेशर को कितना मानकर चलूँ, पी नॉट मानकर चलूँ, तो ये तो एग्जैक्टली कल की ही बातचीत हो रही है, कल की जैसी ही पूरे कंसेप्ट आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आपने आपका जो टेम्परेचर है इंक्रीज करने के बजाय घटा दिया, कितने से घटा दिया, एग्जैक्टली इतनी ही क्वांटिटी से घटाया, बट क्योंकि घटा रहे हैं इसीलिए माइनस साइन का यूज होना वहाँ पे अति आवश्यक है। अब बेसिक कैलकुलेशन देखो तुम्हें करनी आती है कि प्लस माइनस कट जाएगा, तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि पी टी बराबर बोलो क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना, पी टी बराबर बोलो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इट मीन्स दैट कि अगर इसी सेम ग्राफ को मैं कल के जैसे एक्स्ट्रापोलेट करती हूँ, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब डॉट 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 डॉट, अगर हम इसको पीछे खींच के लाते हैं तो जिस पॉइंट पर ये आपके एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट क्या बताता है कि ये टेम्परेचर फिलहाल पहले तो कौन सा है, ये टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर पे आप लोगों का बोलो प्रेशर कितना है, जीरो। और कल की क्लास में यहाँ पे वॉल्यूम बोलो कितना था, जीरो था। तो आइडियली प्रेशर को जीरो कर पाना गैस के, और आइडियली गैस के वॉल्यूम को जीरो कर पाना पॉसिबल है ना, आइडियल गैसेस के लिए दिख रहा है कि ये चीज पॉसिबल है, बट रियलिटी में जब आप सही में एक रियल गैस को लेकर काम करते हो तो रियल गैस में ऐसा आपको कुछ भी देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता रियल गैसेस में, ऐसा नहीं होता। मतलब आइडियल गैस सिर्फ एक मिथ्या है, मिथ्या मतलब सिर्फ एक कल्पना है, रियलिटी में आइडियल गैसेस जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट
नहीं करती, ये हम लोग आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. बट क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने एटलीस्ट 12th स्टैंडर्ड तक सभी गैसेस को आइडियल गैसेस मानकर ही काम करते हैं. ठीक है, तो ये हो गई कंडीशन पीटी इक्वल टू 2 times ऑफ पी नॉट. और दूसरी कंडीशन क्या होगी, पीटी बराबर बोलो क्या, सीओ. तो ये ग्राफ समझें. अच्छा, अभी थोड़े से ग्राफ हम लोग और देख लेते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुमसे कहूँगी कि आपके पास एक वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस पर आपको प्रेशर प्लॉट करना है और आपको एक्स एक्सेस पे वॉल्यूम प्लॉट करना है, बट इस ग्राफ को प्लॉट करते वक्त वॉल्यूम बराबर रहेगा कांस्टेंट, मतलब गे लुसैक्स लॉ. तो हम में से मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि अरे जो चीज कांस्टेंट है आप उसके अगेंस्ट कैसे ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, फिजिक्स में नहीं करते हो कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि जिस भी वॉल्यूम से शुरुआत की होगी चाहे आप प्रेशर कितना भी बढ़ा लो वॉल्यूम उतना ही है. तो ये ग्राफ बोलो कैसा दिखेगा, ये ग्राफ आपको ऐसा दिखेगा, है ना, कि वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा. अगर तुम बोलोगे कि गे लुसैक्स लॉ में आप क्या करिए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बना लीजिए, है ना, जैसे ऊपर मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का बनाया, आप टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का बनाइए और वॉल्यूम बराबर क्या रख दीजिए, कांस्टेंट. तो इसका ग्राफ भी आपको कैसा मिलेगा, ये ऐसा मिलेगा नॉर्मल, ये एक परपेंडिकुलर लाइन, बस खत्म. यानी कि बेसिकली आप जिस पॉइंट पे थे, जिस पॉइंट से आपने शुरुआत की थी, आप उसी पॉइंट पर हो, आप उसी पॉइंट पर हो. ठीक है, आप बेसिकली आप क्या हो, उसी पॉइंट पर हो. अब बस मेरा एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे गड़बड़ जो होती है, चाहे आप चार्ल्स लॉ पढ़ो कि गे लुसैक्स लॉ पढ़ो, ये जो हम लोगों ने ग्राफ बनाए, ये आपका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का केल्विन में और दूसरा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का लेकिन डिग्री सेल्सियस में, यहीं पे आप लोगों को क्या होती है, गड़बड़ी फील होती है. दूसरी चीज़, ये कंपैरिजन टाइप के ग्राफ्स आते हैं, तो कंपैरिजन टाइप के ग्राफ्स तो ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं बताओ, बोयल्स लॉ जब से पढ़ रहे हैं तब से हम लोग ये चीज़ करते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें अब तुमको दिक्कत होगी. अच्छा, अब थोड़े से और ग्राफ्स की तरफ मूव करते हैं, जो एक्चुअली मैं कल नहीं ली थी, अभी मैं तुम्हें यही सेम ग्राफ गे लुसैक्स लॉ में करके दिखा रही हूँ, तुम इसको चार्ल्स लॉ के लिए भी बना के ले इतना. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ग्राफ कल को बनाने को बोला गया लॉग पी वर्सेस टी स्क्वायर के बीच में, तब आप कैसे बनाओगे. तो ऐसा नहीं होता है कि पी वी इक्वल टू एन आर टी में तो मैडम लॉग है ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो लॉग वाला ग्राफ बनाने के लिए. बिल्कुल कहा जा सकता है, क्यों नहीं कहा जा सकता, आपको बताओ क्यों नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल कहा जा सकता है. क्या होता है बोलो, पी इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ टी होता है. कॉन्स्टेंट की क्या वैल्यू है उस पर अपना खोपड़ी मत चलाओ. ठीक है, होगा कुछ ना कुछ कांस्टेंट, हम लोग उस कांस्टेंट को क्या मान लेते हैं, अपना के मान लेते हैं. ग्राफ वाला कह रहा है कि उसको वाई एक्सेस पे लॉग पी चाहिए, लॉग तो भैया मेरे को मैडम कहीं दिख नहीं रहा है, तो आप लॉग पहले क्रिएट करो. आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, लॉग पी इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा लॉग के और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आप लोगों का लॉग टी. मैंने नॉर्मल लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है, तो मैं इस लॉग पी को तो मैं वाई एक्सिस में प्लॉट कर लूँगी, कोई तकलीफ नहीं है. बट मुझे एक्चुअली में ग्राफ में क्या प्लॉट करने को बोला गया था, टी स्क्वायर प्लॉट करने को बोला है. अब मैं टी स्क्वायर कहाँ से लेकर आऊँ, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है. कैसे हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं, इमेजिन करिए, इमेजिन करते हैं कि आप लोगों ने क्या करके रखा है, लॉग पी इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी है. सोचो, जस्ट सोचो कि अगर ये लॉग टी स्क्वायर होता, अगर ये लॉग टी स्क्वायर में इसको लिख दूं तो मुझे स्टार्टिंग में क्या लगाना पड़ेगा, हाफ. ये हाफ क्यों आया, तुम्हें फील आ रही है, लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी तुमने मैथमेटिक्स में कि जो भी पावर होती है, याद आ रहा है, ये लॉग की सादी सी मैंने एडजस्टमेंट की है. तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, ये क्वांटिटी मुझे y एक्सिस से प्लॉट करनी है, मुझे ये भी मिल गई, और ये वाली एंटायटी मुझे कहाँ पे प्लॉट करनी है, आप लोगों के x एक्सिस से प्लॉट करनी है, मुझे ये भी मिल गई, है ना. तो बताओ ये किस फॉर्मेट का है, ये आपको ऐसा नहीं लिख रहा, y इक्वल टू आपका ये हो गया y इंटरसेप्ट यानी कि c प्लस ये mx वाले फॉर्मेट का है, लेकिन यहाँ पर हाफ दिख रहा है आपको और लॉग दिख रहा है. ठीक है, हाफ दिख रहा है और आपको लॉग दिख रहा है, तो मैं उसको वहां पे वैसे का वैसे ही लिखती हूँ, बल्कि वो हाफ मैंने लिख दिया, लॉग वहां पे लिख दिया और ये हो गया आपका x, ये हो गया आप लोगों का x. ठीक है, ये वाली चीज क्या हो गई, आप लोगों की x हो गई. अब ये ग्राफ बनता कैसे है, तो ये तो आपका एक लॉगरिथम वाला ग्राफ है,
तो इसका जो नेचर आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा। ये सारे ग्राफ ऐसे क्यों बन रहे हैं, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, पढ़ा होगा या तो पढ़ोगे, ठीक है, दोनों में से कभी ना कभी तो ये चीज़ करोगे, कर या तो मैथ्स में पढ़ चुके होगे या तो पढ़ने वाले होगे, कभी ना कभी इस तरीके के फंक्शन ग्राफ तुम लोगों को मैथ्स में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता था कि मान लेते हैं आपको ग्राफ ऐसा बनाने को कहता कि लेट्स से आप लोगों के पास वाई एक्सिस में प्रेशर है, एक्स एक्सिस में आपने लॉकटी ले लिया। अब बोलो कैसे करेंगे, तो अगेन आ जाइए अगेन किसकी शरण में, पी वी इक्वल टू एन आर टी की शरण में, तो वही पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। पी तो भैया वैसे का वैसे ही प्लॉट करना है वाई एक्सिस में, कोई तकलीफ नहीं है, कर देंगे हम प्लॉट, लेकिन टेम्परेचर को तो हमें लॉग में लेना है, फिर क्या करें। तो ऐसे में आप लॉग लेना ही पड़ेगा आपको बोथ साइड। जब आप बोथ साइड लॉग लोगे तो ये देखो ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी लॉग ऑफ पी इक्वल टू लॉग ऑफ के, और ये हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ टी। बट दिक्कत ये है कि मुझको तो यार मतलब ये मैं क्या बोलूँ तुमको, पी चाहिए वाई एक्सिस पर, तो अभी आप पी कैसे लाओगे, आप है ना पी कैसे लाओगे। तो ऐसे में आप क्या करोगे, एंटी लॉग बराबर आप क्या लो वहाँ पे, एंटी लॉग। तो ऐसे में ये चीज़ क्या हो जानी, ये हो जानी पी इक्वल टू के ई की पावर में ये लॉग ई, और यहाँ पे आ गया टेम्परेचर। अब मुझे बताओ ये वाली चीज़ कहाँ पे प्लॉट हो रही है, वाई पे प्लॉट हो रही है। ये क्या हो गया आपका, कुछ के है, के मतलब कोई भी कांस्टेंट होगा, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनते हैं बताइए, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आपके जैसे अभी मैंने लॉग वाला बनाया है ना, उसके अपोजिट बनते हैं। मतलब ये ग्राफ उतना सुंदर तो देखो बना नहीं है, ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है। लॉग वाले ग्राफ देखो कैसे थे, नीचे से मतलब वाई एक्सिस के अराउंड थे वो, और ये लोग कैसे हैं, एक्स एक्सिस के अराउंड है, ये इस तरीके का। तो ये पूरी कहानी थी तुम लोगों के किसके लॉ की, आपने गे लुसैक्स लॉ की। अभी जो नेक्स्ट लॉ यूजुअली आपने गेशियस स्टेट में आप पढ़ते हो वो होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। बट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, बिकॉज ऑलरेडी मैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो इस वाले वीडियो में मैं उस पर्टिकुलर वीडियो की तुम लोगों को लिंक शेयर कर देती हूँ, ताकि इमेजिन कि कोई इंसान भूल गया है तो वो वापस से उस चीज़ को देखकर समझ सके। अच्छा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आप एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के ऑलरेडी मोल कंसेप्ट में नोट्स बना चुके हो, वैसे तो नीड नहीं होनी चाहिए नोट्स बनाने की, बट आई डू सजेस्ट कि आप नोट्स बना लो, क्योंकि मोल कंसेप्ट की कॉपी कितनी पुरानी रही होगी, और ऑब्वियसली गेशियस स्टेट की तो अभी कितने सारे चैप्टर्स होने में आ गए, अब तो कोई नई दूसरी कॉपी नहीं होगी। तो इस चैप्टर में अगर तुम्हें कल को कभी की ऐसे कंसेप्ट की नीड पड़ती है जो एवोगैड्रो से रिलेटेड है, तो तुम्हें पन्ने पलटने पड़ जाएंगे, ठीक है, ताकि वो सिचुएशन तुम फेस ना करो, इसीलिए तुमको वो अपने नोट्स में वापस से लिख लेना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, उसी सेम वीडियो में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जब मैंने तुम्हें सिखाई है, तो वहां पे मैंने तुम्हें एक और टॉपिक भी सिखाया है उसी सेम वीडियो में, वो है मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। किसी भी गैस के मोलर वॉल्यूम को बेसिकली मतलब क्या होता है मोलर वॉल्यूम, वो भी उस वीडियो में सिखा है, तो उसको भी तुम्हें अपने नोट्स में इंक्लूड करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में भी हमको मोलर वॉल्यूम की नीड पड़ती ही पड़ती, ठीक है। जब हम लोग आगे डाल्टन्स लॉ पढ़ते हैं ना, तब हमको नीड पड़ती है। बट अभी क्या करोगे बताओ, पहले यहां तक अपना गे लुसैक्स लॉ तक कॉपी कंप्लीट करोगे, उसके बाद अभी जस्ट इसके नेक्स्ट में ही मैं एक और वीडियो लेसन दे रही हूँ, जिसमें हम लोग कंबाइंड गैस लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और जब कंबाइंड गैस लॉ के बारे में बात कर लेंगे, छोटा सा हार्डली 5 मिनट का भी वीडियो नहीं रहेगा, फिर तुम लोग एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को लिखोगे अपनी कॉपी में, फिर मोलर वॉल्यूम लिखोगे, ठीक है। ये तुम्हारा ऑर्डर रहेगा, सीक्वेंस अपने नोट्स का कंप्लीट करने का। और अभी हम लोगों ने इस तरीके से सारे लॉस खत्म कर लिए। अब लॉ खत्म करना एक्चुअली एक बहुत ही मतलब सस्ता काम है। अगर आप लॉ खत्म कर चुके हो तो आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, ये तुम मैं अगर नहीं भी सिखाती तुम अपने लेवल पे बेसिकली खुद भी खत्म कर लेते। अब बात आती है कि इन लॉस को खत्म करने के बाद इन लॉ के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो अभी हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो इन लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, इन लॉ से रिलेटेड किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स आपको फेस करने पड़ते हैं वो हम सीखेंगे, और फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक से बाद में शुरू करेंगे, बाद में मतलब न्यूमेरिकल्स सीख लेने के बाद, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस चीज को मैं ओवर करती हूँ, बट याद रखना ग्राफ पे तुम्हारी कमांड थोड़ी अच्छी होनी चाहिए,
क्योंकि इस टॉपिक से अगर कोई चीज पूछी जाती है तो ग्राफिकल क्वेश्चन ही है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. ठीक है ओके, तो अभी इस चीज को यहाँ पे रुकते हैं फिर.